बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम शमी मोहम्मद के परवाने कैसे हैं आप लोग सब खैरियत होंगे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हम भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है बोलने का ये है कि हजरत आदम सफीरल्ला हजरत नूह नदीबुल्ला इब्राहिम हजरत इब्राहिम खलीलल्ला हजरत मूसा कलीमुल्ला हजरत ईसा अबूल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलल्ला हजरत मेहदी माऊद इमाम मुरादुल्लाह मुराद के माने क्या है आप लोग को समझते हैं ना मुराद के माने क्या है अल्लाह की मेहदी मुरादुल्लाह फरमाने मुराद के माने मेहदी माऊद आए और चले गए ये मुराद के माने एम है अपना अल्लाह का एक 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 एम था कि मेहदी को भेजना मेहदी आए और चले गए इमाम मेहदी आए और चले गए और कोई इसके बाद कोई इमाम मेहदी आने का नहीं है इसका भी नहीं है हाँ अलबत् ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो मतलब ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की हदीस देखो वो उम्मत कैसी लाखों की इसके अव्वल मैं हूँ दरमियान फरमाए दरमियान के माने क्या है बीच का हिस्सा वसत दरमियान वसत फरमाए दरमियान में मेहदी होंगे और आखिर में ईसा बिन मरियम होंगे आखिर नेक्स्ट ईसा बिन मरियम होंगे दरमियान का तो हिस्सा खत्म हो गया अब ईसा अलैहिस्सलाम आने का है ईसा अलैहिस्सलाम आने का है मुराद के माने क्या है अब समझो हम आप हैदराबाद से निकले हैदराबाद से आप न्यूयॉर्क जा रहे आप हैदराबाद से न्यूयॉर्क जा रहे तो रस्ते में क्या क्या मिलता है बम्बई दिल्ली दुबई लंदन वहां से उसके बाद न्यूयॉर्क उतर दिया तो न्यूयॉर्क आपका क्या है मुराद है तो मेरी अल्लाह का मुराद क्या है मेहदी है मेहदी आए और चले गए और कोई मेहदी आने का नहीं है चुप दावे खोखले है और किसी कहते ईसा बिन मरियम आने का है और उसके बाद क़यामत आएगी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपने ईमान को कभी खोना नहीं हर चीज ईमान पे है रहता है ईमान पक्का रखो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हाफिज़।